बहुत ही जबरदस्त बनी है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में रमजान स्पेशल में बना रहे हैं चिकन पैटीज। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि चिकन पैटीज इसका मतलब पफ पेस्ट्री बनेगी, फिर जाके चिकन पैटीज बनेगा, लेकिन नहीं, हम इसे बनाएंगे ब्रेड से। और वो कैसे बनाएंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे मिस मत कीजिएगा। और उसको बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, पैटीज की फिलिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, एक कप हमने बॉयल किया हुआ चिकन लिया जिसको हमने शेड्यूल कर लिया, एक लार्ज साइज का कटा हुआ प्याज लिया जिसको हमने बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया, एक ग्लास हम दूध लेंगे, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। अगर अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं 1 टीस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट लेंगे हम 2 टेबल स्पून, थोड़ी सी ग्रीन चिली लें, उसमें थोड़ा सा विनीगर डालें और उसको पीस लें और आपका पेस्ट बन जाएगा। 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, सोया सॉस लेंगे हम 1 टेबल स्पून, सिरका लेंगे हम 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें फिलिंग के लिए। ये फिलिंग परफेक्ट है, जैसे आप बेकरी वगैरह में पैटीज खाते हैं, ये वही फिलिंग है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप चाहें तो आप पफ पेस्ट्री में भी डाल सकते हैं और ब्रेड में भी लगा के बना सकते हैं। तो चलिए आप इसे रेडी करते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम ये कटे हुए प्याज डाल देंगे। सोते करेंगे प्याजों को, फ्लेम मीडियम रखें। ज्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, बस हल्का से इसे कलर देना है, लाइट सा पिंक कलर। तो ये देखिए प्याज हमारे हल्के से लाइट पिंक कलर के हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये जो दूध का ग्लास है, इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। और साथ इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, साथ साथ मिक्स करते जाएं, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, मिक्स करेंगे इसको हल्के हल्के हाथ से। फ्लेम मैंने लो कर दी है और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। सारा मिक्स करेंगे चिकन डाल के। और अब इसमें हम डालेंगे सिरका, सोया सॉस और ये ग्रीन चिली का पेस्ट, मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा तेज करेंगे और इसका जो थोड़ा थोड़ा सा पानी पानी सा लग रहा है, इसको हम बिल्कुल हुश कर लेंगे। ये जो साइडों पे लग रहा है ना, इसको हम उतार लेंगे इस तरह। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे, बस हमने इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। ये थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है ना, वो खुश्क हो जाए। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम इसको ड्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे और चम्मच साथ साथ चलाते जाएंगे। ये देखिए ये रेडी है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और हमने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड के 8 स्लाइस और एक कटर लेंगे। कटर से हम इसको काट लेंगे, तो एक एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसे काटते जाएंगे। तो कटर से हम इसे काट लेंगे।
काट काट के हम यहाँ पे रखते जाएंगे, इसी तरह सारे कट देंगे। ये जो बच के इसको आप ज़ाया ना करें, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बना लें या ब्रेड का हलवा बना लें। तो ये रेडी है, अब इनमें हम स्टफिंग करेंगे। तो एक हमने प्लेट ली है, इसको साइड पे करेंगे। ब्रेड का स्लाइस लेंगे, स्टफिंग लेंगे और ब्रेड पे लगा देंगे। तो सारी स्टफिंग हमने कर ली, अब इसके ऊपर रख देंगे ब्रेड का स्लाइस और इसे इस तरह रख देंगे, इस तरह। इसको बिल्कुल बंद ही करेंगे, इस तरह हम साइड पे रखते जाएंगे। और इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे, फिर से लेंगे, स्टफिंग करेंगे, और इस तरह रखते जाएंगे, और इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारे रेडी हैं, और ये जो बच गया इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में, और इसे तकरीबन आप एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं अगले दिन फिर इसे इस्तेमाल कर लूंगी। तो इसे मैं प्लास्टिक रैप से कवर कर लूंगी। ज़रूरी नहीं कि आपने प्लास्टिक रैप से इसे कवर करना है, आप किसी लंच बॉक्स में भी डाल के इसे रख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर कोट करेंगे। तो कोट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 अदद अंडे और हसबे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स। तो अब अंडों को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। तो ये देखिए, अंडों को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया। अब एक पकड़ेंगे पैटिस, अंडे में कोट करेंगे साइडों से, फिर ऊपर से। और अब करेंगे ब्रेड क्रम्स का कोट। और एक दफा फिर से कोट करेंगे किनारों को, ठीक है। ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और इसको रखते जाएंगे, और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये रेडी है, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, मतलब एक दिन पहले आप इसे बना के फ्रिज में रख दें, अगले दिन आप इसे निकाल के फ्राई कर लें। तो मैं इसे भी फ्राई करूंगी। एक कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, और इसमें हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ से। तो एक एक करके डालेंगे। और फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, बस इसको फ्राई करना और निकाल लेना है, टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। ऑयल अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये देखिए, कितने ज़बरदस्त हमारे ब्रेड चिकन पैटीज बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्रेड चिकन पैटीज की रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं इसे थोड़ा टेस्ट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इंजॉय करने दें।
तो अगर आपको ये इजी से चिकन पैटीज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइव विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।